तख्त तसल्ली जेल मशक्कत कोई किसी का यार नहीं, कैदी कहे बीमार बीमार डॉक्टर कहे बीमार नहीं, एक चवन्नी फेंक कर देखो भर्ती से इनकार नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हम आपके लिए एक ऐसी न्यूज लेकर आए हैं कि जो फैसला बहन मायावती जी के हाथ में है, यानी कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बसपा विधायक को भी ऑफर है। कर्नाटक की सरकार अब गिरी तो तब गिरी, हो सकता है जब मैं न्यूज टेलीकास्ट करूं तब तक सरकार ही न गिर जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी पूरी बारीकियां। कर्नाटक विधानसभा में 225 विधायक की असेंबली है, जिसमें एक विधायक तो स्पीकर बन जाते हैं जो मनोनीत हैं, और रही बात 224 तो 112 इधर 112 उधर। यानी बहन मायावती जी किसको सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को या कांग्रेस को? कांग्रेस गठबंधन में जेडीएस के कुमार स्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। मैं आपको बता दूं कि 10 विधायक कांग्रेस के और 3 विधायक जेडीएस के रिजाइन दे दिए हैं, तो बच गए 13 विधायक निकल गए। अगर आप 225 में से 13 निकाल दें तो 212 विधायक का असेंबली हो जाता है, जिसमें 107 विधायक बीजेपी के पास है। अब बचा इधर 105 विधायक, तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक विधायक तैयार हो चुका है। अब बचा एक बसपा विधायक एन महेश। जब उनसे पूछा गया कि आप किसके साथ हैं, सरकार बचाएंगे, तो उन्होंने कह दिया मैं तो हाई कमान के साथ हूं, यानी बहन मायावती जी जो फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि न्यूज एंकर एक विधायक को मुख्यमंत्री बना रहा है, हास्यास्पद आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि यही मामला फंसा था झारखंड में एक निर्दलीय विधायक, जो एकमात्र विधायक था मधु कोरा, और उसको मुख्यमंत्री बनाया गया था क्योंकि दो पार्टियों की ईगो प्रॉब्लम थी कि मेरा मंत्री बनेगा और एक मुख्यमंत्री ऐसा बना दो जो ना हमारे पार्टी का हो ना आपके पार्टी का हो। तो बसपा का जो निर्दलीय विधायक एन महेश हैं, ये तुरुप का इक्का बन चुके हैं। अब बहन मायावती जी को फैसला लेना है कि वो बीजेपी के साथ जा रही हैं या कांग्रेस के साथ। कर्नाटक का विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है, और ये जो 13 विधायक 5-स्टार होटल में रह रहे हैं, यानी गर्मी छुट्टियां मना रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक माहौल बन गया है कि कर्नाटक सरकार अब किसकी, बीजेपी शांत है, वो देखकर केवल मजे ले रही है, किसी से कुछ नहीं कह रही है, क्योंकि अब ये देखना है कि केजीपी का एक विधायक जो केपीजेपी का विधायक है और एक बसपा विधायक अगर गठबंधन के साथ है, और एक दो विधायक कांग्रेस का अगर टूट के आ जाता है जो कि इस्तीफा नहीं देता है, तो गठबंधन की सरकार बची रहेगी, अन्यथा गया भैंस पानी में। ऐसे हम सब पत्रकारों का मानना यह है कि बहन जी सरकार बचाने में एक पहल करें, क्योंकि सामने चुनाव है और बसपा कार्यकर्ता यह मानकर चलेंगे कि अगर हमारा एक दो विधायक भी बन जाता है तो उसको मुख्यमंत्री बनने की चांस मिल सकते हैं। अभी सारा गेम बहन मायावती जी के हाथ में है, वो बीजेपी को खुश करते हैं या कांग्रेस को, ये भविष्य बताएगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपको पल पल की और सच्ची खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, और हमारे वीडियो को एक शेयर एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि हम जिस इलाके में अभी हैं, दो दो तीन तीन दिन तक लाइट नहीं आ रही है, बारिश हो रही है, हम टाइम से आपको वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। तब तक के लिए जय भीम।